अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए कि बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11, जिसमें हमने कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था। किडनी की डिसऑर्डर्स कौन कौन सी खराबियाँ किडनी के अंदर होती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो किडनी में होती हैं। तो उसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था किडनी स्टोन के बारे में, उसके ट्रीटमेंट, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स। और अब हमने पढ़े थे किडनी फेलर के बारे में कि अगर किडनी फेल हो जाए अपने काम अच्छे तरीके से, अपना काम मुकम्मल तौर पर या पार्शली आधे तो आधा वो अपना काम अच्छे तरीके से ना परफॉर्म कर सके तो फिर क्या करते हैं उसके लिए। हमने कल एक टाइप पढ़ी थी डायलिसिस की, अब हम उसके ट्रीटमेंट में उसकी सेकेंड टाइप पढ़ेंगे और उसके साथ किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि ये इसके ट्रीटमेंट्स हैं, किस तरह से हम लोग अगर किडनी फेलर हो जाए तो क्या करना चाहिए हमें। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सेकंड टाइप है डायलिसिस की, हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस ये सेकंड टाइप है डायलिसिस की। फर्स्ट डायलिसिस हमने पढ़ी थी, उसके अंदर हम पेरिटल कैविटी के अंदर जो हमारे गट की साइड पर होती है वहाँ पर हम पेरिटल फ्लूइड जो होता है बाहर से वो अंदर डायलिसिस फ्लूइड जो होता है उसे उसके अंदर भेजते हैं, वहाँ से वो ब्लड से वेस्ट होते हैं उसको अब्सॉर्ब कर लेता है और वहाँ से उसे डिस्क्रीट और बाहर निकाल देते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इन हेमोडायलिसिस पेशेंट्स ब्लड पम्प थ्रो एन अपरेटस कॉल्ड डायलाइजर। इसके अंदर ये होता है कि जो पेशेंट का ब्लड होता है वो सारा का सारा जैसे फ़िल्टर होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि किडनी का क्या काम होता है, वो ब्लड को फ़िल्टर करती है, उसमें से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। तो जब हमारा ब्लड है उसकी किडनी ब्लड में टॉक्सिन्स हैं, उसमें ब्लड वेस्ट मटीरियल्स हैं, तो लेकिन किडनी हमारा काम हमारी काम नहीं कर रही है तो क्या करेंगे कि हम लोग जो ब्लड है उसको पंप करेंगे अपरेटस में, जिसे हम डायलाइजर कहते हैं। हमने पढ़ा था कि डायलिसिस जो है वो ब्लड को क्लीन करने का एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। आर्टिफिशली हम लोग मस्नूई तौर पर कोई ऐसी चीज़ यूज़ करके, लास्ट टाइम हमने फ्लूइड यूज़ किया था जिससे हम लोग वेस्ट को, जो जितने भी वेस्ट थे टॉक्सिन से, उनको रिमूव कर रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे, एक मशीन यूज़ करेंगे, एक अपरेटस यूज़ करेंगे, उसे कहेंगे डायलाइजर। दी डायलाइजर कंटेन लॉन्ग ट्यूब दी वॉल ऑफ विच एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें एक लंबी ट्यूब होती है जिसकी जो वॉल्स होती हैं वो सेमी परमेबल होती हैं। सेमी परमेबल कहते हैं कि वो किसी चीज़ को गुजरने देंगी, जिनके अब वो किस जिसको चाहेंगी वो गुजरने देंगी और जिसको चाहेंगी वो गुजरने नहीं देंगी उसमें से, तो वो उसे हम कह देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उसकी बनी हुई होती हैं ये ट्यूब्स। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स वाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब्स। जो ब्लड है वो फ्लो करता है इन ट्यूब्स के टू ट्यूब्स में से जब डायलिसिस हो रही होती है, डायलिसिस फ्लूइड फ्लो अराउंड द ट्यूब्स। और जो डायलिसिस का फ्लूइड होता है वो इसके गिर्द चल रहा होता है। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट इज मूव फ्रॉम ब्लड इन टू द डायलिसिस फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा वाटर और वाटर होता है, वेस्ट मटीरियल्स होते हैं, वो मूव कर लिए जाते हैं ब्लड से। कौन रिमूव कर लेता है, डायलिसिस फ्लूइड। द क्लींस ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू द बॉडी। और उसके बाद जब जो ब्लड जो है वो साफ़ हो जाता है तो वो वापस बॉडी में चला जाता है। द हेमोडायलिसिस ट्रीटमेंट आर टिपिकली गिवन डायलिसिस सेंटर 3 times per week। एक हफ्ते में 3 दफ़ा ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। हमने जो लास्ट में पेरिटल डायलिसिस पढ़ा था उसमें क्या था कि हम लोग उसको रोज़ाना कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये हॉस्पिटल्स में ही होता है और इसके अलावा ये हफ्ते में 3 दफ़ा होती है। अगर आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देखें, पिक्चर बनी हुई है, उसके अंदर एक तरफ से ब्लड आ रहा है और दूसरी तरफ से ब्लड जा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि ऊपर से ब्लड पंप होगा, इसके आ जाएगा डायलिसिस फ्लूइड के अंदर और दूसरी तरफ से वो जाएगा फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, और यहाँ से वो वाला यूज्ड। अब ऊपर देखें वो ऑपरेटर्स जो है सामने, जिसके अंदर आपको रेड कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, ये ट्यूब्स हैं जिनकी बाहर पर डायलिसिस फ्लूइड है। ऊपर वाली साइड पर जो है वो वाला डायलिसिस फ्लूइड है जिसके अंदर से वेस्ट, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स हैं, जिसके जिसने ब्लड में से सारे वेस्ट मटेरियल निकाल लिए, और दूसरी तरफ जो नीचे है वो क्लीन है, फ्रेश है, और वहाँ से फिर ब्लड जो है वहाँ से ब्लड एंटर होगा, नीचे से ब्लड एंटर होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो जो इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड होगा वो इसके अंदर से ब्लड में से सारे जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे उनको रिमूव कर लेगा और वहाँ से फिर वो वापस
बॉडी के अंदर चला जाएगा। इस तरह से जो ब्लड है वो साफ हो जाता है और वापस हमारी बॉडी में चला जाता है। इसके बाद है किडनी ट्रांसप्लांट। दूसरा जो किडनी फेलियर का हमारे पास ट्रीटमेंट था वो था किडनी ट्रांसप्लांट, कि हम किसी दूसरे की किडनी को जो पेशेंट है उसकी किडनी में एंटर कर देते हैं, डाल देते हैं और वो फिर उसकी अपनी किडनी की तरह ही काम करने लग जाती है। वी नाउ दैट डायलिसिस नीड टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू डेज एंड इज़ अनप्लेजेंट फॉर पेशेंट्स एंड अटेंडेंट। जो भी ये कर रहा होता है उसके अलावा जो पेशेंट्स होते हैं जिनके साथ ये डायलिसिस किया जा रहा होता है उनके लिए ये ठीक नहीं होता, क्योंकि उन्हें हर हफ्ते में कुछ 3 दफ़ा तो उन्हें ये डायलिसिस करवाना पड़ता है। लेकिन जो हमें डायलिसिस के अलावा दूसरी जो टाइप है उसे करवाते हैं तो उनको हर रोज़ ये डायलिसिस करना पड़ता है, तो ये उनके लिए खुशगवार नहीं होता। अनदर ट्रीटमेंट फॉर दी एंड स्टेज किडनी फेलियर किडनी ट्रांसप्लांट, जब बिल्कुल एंड स्टेज हो जाती है जिसमें कंप्लीट फेलियर हो जाता है, जिसमें बिल्कुल किडनी अपने काम करना, अपने फंक्शंस को प्ले करना ख़त्म कर देती है, तो उसमें क्या होता है किडनी ट्रांसप्लांट, उसका एक ही ट्रीटमेंट बचता है किडनी ट्रांसप्लांट। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज किडनी विद अ डोनर हेल्दी किडनी। डोनर कहते हैं देने वाले को, जो अपनी किडनी हेल्दी किडनी को, अब ऐसे नहीं है कि एक जो डोनर है उसकी किडनी भी फेल हुई हुई हो और जो लेने वाला है उसकी किडनी भी फेल हुई हुई हो, तो एक हेल्दी किडनी को डोनेट कर देते हैं उसके लिए जिसकी कि किडनी फेल हुई हुई है। किडनी में भी डोनेटेड बाय अ डिजीज डोनर लिविंग डोनर। डिजीज डोनर हो सकता है या फिर लिविंग डोनर, जैसे कोई मुर्दा से भी लिया जा सकता है या फिर जो बीमार होता है लेकिन उसको गुर्दे का कोई मसला नहीं होता उससे भी ले सकते हैं, या फिर जो लिविंग है, जिंदा है और हेल्दी है उससे भी लिया जा सकती है किडनी। द डोनर मे और मे नॉट बी रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। डोनर जो होता है वो लाजमी नहीं है कि वो जो पेशेंट है उसका रिलेटिव हो, उसका रिश्तेदार ही हो, वो हो सकता है कि उसका रिश्तेदार हो और ये नहीं भी हो सकता है कि वो उसका रिश्तेदार हो, वो फिर भी उसको किडनी डोनेट कर सकता है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे एक लिविंग डोनर है, एक जिंदा डोनर है जिसने अपनी किडनी को डोनेट किया है, और अगर इसके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट जिसने किडनी को लिया है, डोनर कहते हैं देने वाले को, रेसिपिएंट कहते हैं लेने वाले को। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो ऊपर वाली साइड पे जो किडनी ब्लैक हो गई है वो बिल्कुल फेल हो गई है किडनी, तो नीचे बिल्कुल उसको नीचे करके उसके किडनी की जो उसका यूरिनरी सिस्टम है उसके साथ अटैच कर दिया जाता है उस किडनी को जो डोनेट की गई होती है, तो ये फिर वैसे ही वर्क करने लग जाती है जैसे इसकी पहले किडनी वर्क कर रही थी। किडनी ट्रांसप्लांट किस तरह से होगा। बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच। पहले उसके टिश्यू प्रोटीन को देखा जाएगा कि क्या ये आपस में मैच करते भी हैं, इनके जो अगर इनकी किडनीज को डोनेट किए करता है जो इंसान, वो जब पेशेंट के अंदर लगती है तो वो उसको कोई रिएक्टेंट तो नहीं देगी, कोई ऐसा कोई डैमेज तो नहीं कर देगी। दी डोनर्स किडनी इज़ ट्रांसप्लांट इन पेशेंट्स बॉडी एंड इज़ कनेक्टेड टू दी पेशेंट्स ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम। तो इसे उसके ब्लड और यूरिनरी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है वो वाली किडनी को जो डोनेट की गई होती है। दी एवरेज लाइफ टाइम फॉर अ डोनेटेड किडनी इज़ 10 to 15 ईयर। एक जो लाइफ टाइम है कि कितनी देर तक जो डोनेटेड किडनी होगी वो काम करेगी, क्योंकि वो उसकी रियल किडनी नहीं है, काम करेगी उसी की तरह लेकिन उसकी रियल किडनी नहीं होगी, तो वो कितनी देर तक ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी, 10 से 15 साल तक। वैन अ ट्रांसप्लांट फेल्स द पेशेंट मे गिव अ सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट। अगर ऐसा हो जाए कि एक इंसान है उसने एक दफ़ा किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था और उसकी किडनी फेल हो गई है, 10 से 15 साल बाद उसकी किडनी फेल हो गई है, तो वो दोबारा से किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकता है, वो दूसरी किडनी को भी अपने अंदर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। इन दिस सिचुएशन द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडिएट टाइम। तो उसे कुछ देर बाद या कुछ देर के लिए उसे फिर डायलिसिस भी करवाना पड़ता है। किडनी ट्रांसप्लांट तो हो जाती है लेकिन उसके साथ साथ अब देखिए उसकी जो अपना पेयर था किडनी का वो डैमेज हो गया, वो बिल्कुल फेल हो गया, कम्प्लीटली फेल हो गया, तो उसके बाद उसने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई उसका भी टाइम ख़त्म हो गया, 10 से 15 साल था, वो भी बिल्कुल फेल हो गया। और उसके बाद जब वो तीसरी दफ़ा अपनी किडनी को लेकर आ रहा है, किडनी अपने अंदर ट्रांसप्लांट करवा रहा है, तो उसको अपने साथ इसके साथ डायलिसिस भी करवानी पड़ती है। यह किडनी अब यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रही है वो किडनी जो हमारी अपनी होती हैं ट्रांसप्लांट किडनी, और यह नीचे वो वाली किडनी जो ट्रांसप्लांट की जाती हैं दूसरे डोनर से ली जाती हैं और वो यहाँ पर आ जाती हैं और फिर वो उसके ब्लड से और उसके यूरिनरी सिस्टम से मिल जाती हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स आफ्टर ट्रांसप्लांट। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं ट्रांसप्लांट के बाद, वो क्या हो सकती हैं, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, के ट्रांसप्लांट किया है लेकिन वो रिजेक्ट हो जाए, हमारा जो ब्लड है हमारा जो सिस्टम है उसे एक्सेप्ट ना करे और उसे रिजेक्ट कर दे, वो काम ही ना करे। इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है जो
किसी कोई और डिजीज़ कास कर दे, ब्लड की डिजीज़ कास कर दे, या हमारे और यूरिनरी सिस्टम में किसी और चीज़ की डिजीज़ कास कर दे, तो इन्फेक्शन हो सकता है। इम्बैलेंस इन बॉडी साल्ट विच कैन लीड टू बोन प्रॉब्लम एंड अल्सर। अब इम्बैलेंस भी हो सकता है बॉडी के अंदर कि जो उसके, अब देखें जो हमारी असल किडनी ने, जिस इंसान के अंदर जो उसकी असल किडनीज हैं, उसने जो काम करना है वो किसी डोनेटेड किडनी में नहीं करना। उसने उसके अंदर से फिर ऐसे तो होगा कि साल्ट की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी, ग्लूकोज की, यूरिया की, यूरिक एसिड की, वो क्वांटिटीज तो कम हो जाएंगी, फिल्ट्रेशन हो जाएगी, लेकिन वो परफेक्ट तरीके से बिल्कुल बिल्कुल ठीक 100% उसका रिजल्ट नहीं देगी। तो साल्ट की कुछ क्वान्टिटी हमारी ब्लड के अंदर रह जाती है, तो इससे इम्बैलेंस हो जाता है। और वो क्या कास करता है, बोन प्रॉब्लम्स, हड्डियों का इशू हो सकता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, हड्डियों में दर्द हो सकता है, तो उसके अलावा और जो भी हड्डियों के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो कॉज हो सकते हैं, और उसके अलावा अल्सर हो सकता है। यहाँ पर कुछ आपको लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है वो दिखाया गया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हेल्दी डोनर का बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद होता क्या है कि ट्रांसप्लांट, जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो उसके बाद हमें कुछ और इन्फेक्शन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, वीकेंड बोन्स हो सकती हैं, ये सब और जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ये ट्रांसप्लांट की वजह से हो सकते हैं, और ये किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से भी हो सकते हैं। ये आपका आज का लेसन था जिसमें हमने हमारी जो लास्ट टॉपिक था किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में पढ़ लिया कि किडनी फेलियर अगर हो जाए तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, वजह क्या बन सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें। उसके बाद किडनी में अगर किडनी फेलर है, रेनल फेलर है तो उसके सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद उसके ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में हमने डायलिसिस की दो टाइप्स पढ़ी थी। फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि पेरिटल कैविटी जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर हम फ्लूइड डायलिसिस फ्लूइड एंटर करते हैं और वहाँ से फिर वेस्ट को निकाल लेते हैं। उसके अलावा होमर डायलिसिस में क्या था कि हम एक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, एक मशीन यूज़ करते हैं जिसके बाहर फ्लूइड होता है डायलिसिस फ्लूइड, उससे क्या होता है ब्लड बाहर निकलता है उस ऑपरेटर्स में और वहाँ से वो वेस्ट को निकाल लेता है और वापस वो ब्लड उसी तरह से साफ होकर अंदर चला जाता है जिस्म के अंदर। उसके बाद था हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट, कि किडनी ट्रांसप्लांट होती किस तरह से है और उसके कितने चांसेस होते हैं कि वो कितनी देर तक चल सकती है, और उसके बाद अगर फिर भी वो ख़राब हो जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं। यह आपका आज का लेसन था जिसमें मैंने आपको किडनी फेलर के बारे में, किडनी फेलर्स के ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया है। अगर आपको इसके अलावा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो आपके आपके पास, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।